आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उन सबको मैं बधाई देता हूँ। सामान्य विजय नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आप सब ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था, तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम एक सीट पे थे। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की, मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा, आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बेहद अहम है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह ने न सिर्फ मजबूत कोर ग्रुप तैयार किया बल्कि हर राज्य के प्रभारी नेताओं से सीधा संवाद रखा, खुद ग्राउंड जीरो पर उतर कर एक एक सीट का विश्लेषण किया और हर स्थानीय मुद्दे पर काम किया गया। साफ है कि ये जीत न सिर्फ 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, बल्कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार पर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगी। अमित शाह ने न सिर्फ इन चुनाव में एक मजे हुए राजनेता, एक कुशल प्रबंधक और शानदार रणनीतिकार होने का सबूत दिया, बल्कि साफ कर दिया कि आखिरी बूथ तक फोकस रखने की उनकी रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई।